नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और 2024 का चुनाव कई मायनों में बहुत ही खास, बहुत ही अहम रहा। तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और इंडी गठबंधन के नेता उलझते नजर आए, पर पीएम मोदी ने अकेले ही मोर्चा संभालते हुए विपक्ष को करारा जवाब दे दिया। इस बेहद ही खास शो में हम आपको पीएम मोदी की 24 बड़ी बातें सुनाने जा रहे हैं। हम आपको प्रधानमंत्री की वो बातें सुनाएंगे जो चुनाव के दौरान सुर्खियां बन गई, कई परंपराएं टूटी, हर चरण में बदले मुद्दे। मंगलवार को आने वाले नतीजों को लेकर सभी के अपने अपने दावे हैं, मगर इस चुनाव के दौरान सियासी तस्वीर भी दिखी, वो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती नजर आई। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा अब की बार 400 पार, जिसकी चर्चा सियासी गलियारे में खूब हुई। तो चलिए आपको सुनाते हैं मोदी की वो 24 बड़ी बातें जिसने सुर्खियां बटोरी। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कुचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है, और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा, बोले खटाखट खटाखट।
ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहां एनडीए वाले काम करना शुरू किए। लेकिन जो जंगल राज वालों ने था, जो मुसीबतें खड़ी कर दी थी, ये जरा फर्स्ट टाइम वोटरों को पता होना चाहिए। वो समय था शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था, बाहर से कोई रात में ट्रेन से उतरता था तो स्टेशन से बाहर नहीं निकलता था, रात भर स्टेशन पे पड़ा रहता था। अपहरण, डकैती, हत्या, ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया था। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लेकर आई है। ये कैसे लोग हैं, जय श्री राम के उद्घोष से उनको आपत्ति है, जय श्री राम बोलो तो उनको बुखार आ जाता है। इनको राम मंदिर के निर्माण से आपत्ति है, इन लोगों को रामनवमी की शोभा यात्रा से आपत्ति है। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? आज भारत के हर कदम, हर एक्शन पर दुनिया की नजर है। हम आज क्या करते हैं, हम क्या हासिल करते हैं, ये दुनिया उत्सुकता से जानना चाहती है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्षों के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बने, और ये लक्ष्य हमारी पहुंच से दूर नहीं है। बीते 10 वर्षों में हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन चुके हैं। अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। कांग्रेस और इंडी अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए
उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा। इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक उठाते नहीं है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। हम लोगों का रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, घमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष मंडे के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। मोदी को 104वीं गाली दी है औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को
लखपति दीदी बनाने का मेरा संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है।